आज मैं इस वीडियो के द्वारा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एस्ट्रोलॉजी करने का एक अपना ढंग है, एक अपनी सोच है। आप सबके सामने उसका मैं एक एडवांस में एग्जाम्पल दूंगा। ये देश की कुंडली किसी नेता वर्ग या किसी पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की जब बात की जाती है तो उनकी कुंडली या उनके विपक्ष वाले की कुंडली होना जरूरी है, जिसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति की कुंडली इस व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा प्रबल है, स्ट्रोंग है और इसके जीतने के चांस हैं। परंतु अगर जहां पर चुनाव हो रहा है, जिस देश में चुनाव हो रहा है, उस देश की कुंडली क्या बोलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस चीज को आधार मानते हुए जब मैं चार्ट का पिछली वीडियो में भी एनालाइज कर रहा था, तब मुझे ये ध्यान आया था, पर मैंने सोचा कि इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊं। भारत देश की कुंडली के अंदर चंद्रमा की महादशा चल रही है, शुक्र का अंतर इस समय चल रहा है और जिस समय इलेक्शन होके रिजल्ट आने की संभावना है, वहां पर गुरु का पतंत्र भी चल रहा होगा। महादशा और अंतरदशा ये प्लेग्राउंड, या आप कह लीजिए उस प्लेग्राउंड में खेल नहीं जानने वाला खेल उनको दिखाता है। ये दोनों ग्रह जो भारत देश की कुंडली के हिसाब से 3 नंबर के घर, पराक्रम के, एफर्ट्स के भाव में बैठे हुए, तो ये इलेक्शनों में एक अलग प्रकार की बल लगते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठेंगे, अगर यहाँ मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठेंगे तो चीजें इतनी आसानी से तो नहीं होंगी। थर्ड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं और क्योंकि दशा और महादशा के ग्रह जो चल रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपना रिजल्ट देने से पहले अपने साथ बैठे हुए रिजल्ट्स प्लग ग्रह का रिजल्ट देंगे। तो सूर्य और शनि जो हैं, ये सरकार को भी संबंधित करते हैं, बड़े नेताओं को भी संबंधित करते हैं, सरकार के साथ या अधिकारियों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी इंडिकेट करते हैं। तो इस इलेक्शन में बहुत सारा जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जो देश की कुंडली का लग्न है और छठा भाव है, उन दोनों का स्वामी शुक्र है और तीसरे भाव का स्वामी जो कि सब राशि का होकर वहां पर बैठा हुआ है। मैंने ऐसा देखा है जब शनि चार में बैठा हो, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों उसको एक्टिवेट कर रहे हैं शनिचार को, और शनिचार होने की वजह से जो जनता का सपोर्ट है, हो सकता है कि इस बार जो इलेक्शंस के लिए जो गैदरिंग होनी है, जो या जो वोटिंग होनी है, वो ज्यादा हो। अगर वो वोटिंग ज्यादा होगी तो एक जो बदलाव की संभावना है, जो जो पार्टियों की इच्छा है रिजल्ट को हासिल करने की, वो यहाँ पर हासिल होती भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। मान लीजिए ए पार्टी है, वो कहती है कि हमें 250 सीट मिलेंगी, तो भैया उसको 250 सीट मिलती भी नहीं दिखाई दे रही है। ए पार्टी बी पार्टी के बारे में बोल रही है कि इनको बहुत कम सीटें मिलेंगी, लेकिन जो ए पार्टी बी पार्टी के बारे में बोल रही है, उनकी सीटें भी उससे ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार जो बी पार्टी
ए पार्टी के बारे में कुछ गलत बोल रही है तो वो सही नहीं होगा। तो जो ये समय है जो इलेक्शंस का, अगर इस चीज को एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने की बजाय अपनी ताकत पे, अपनी पॉलिसियों पे अगर लड़ा जाए तो अच्छा है। लेकिन क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से ऐसा विरोधाभास या ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं, उसका कोई बीच का हल लिखते हुए भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और जो एक पोस्टमैन की तरह रिजल्ट डिलीवर करते हुए जो किस प्रकार का रिजल्ट आएगा वो अंतरदशा का स्वामी बताता है। अंतरदशा का स्वामी जो है गुरु है, जो कि यहाँ पर 11वें भाव और अष्टम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा हुआ है। ये गुरु की पोजीशन जो है वो राशि तो 7 नंबर की है जो बैलेंस को इंडिकेट करती है, और गुरु बैठा भी अपने ही नक्षत्र में है भारत देश की कुंडली में। तो लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट हैं उसकी वजह से ये गुरु के लिए 6th हाउस में बैठना लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, इमीडिएट रिजल्ट के लिए अच्छा नहीं होता। यही चीज अगर आप D9 चार्ट में भी देखोगे, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र जो है दूसरे एक दूसरे से 6-8 बैठे हुए हैं, षडाष्टक आप कह सकते हो। जब महादशा के प्लैनेट 6-8 में बैठे हों तो वो रिजल्ट में अवश्य ही कोई डिफिकल्टी को इंडिकेट करते हैं। सेम इसी चीज को जब हम देखेंगे D60 चार्ट में, जो चंद्रमा की जो पोजीशन है वो सूर्य के साथ है और दोनों का बेसिकली शनि के राशि में बैठना, ऊपर से शुक्र का राहु के साथ बैठना यानी राहु केतु एक्सिस में बैठना, ये बहुत सारी चीजों को यही फाइनली इंडिकेट करता है कि ये रिजल्ट उम्मीद के अनुसार नहीं रहने वाला है। हाँ, ये कोशिश जरूर होगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नया चीज निकल के आए। वो नई चीज क्या निकल के आती है अभी यहाँ बोलने से पहले हम इंतजार करना ही उचित समझेंगे उस चीज का। दूसरी बात, जब भी दारा कारक प्लेनेट की जब भी दारा कारक प्लेनेट की महादशा चलती है तो वहां पर चेंजेस जिंदगी में आना लाजमी है, और भारत देश की कुंडली में जो चंद्रमा है वो दारा कारक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्नति एस्ट्रो वाला को सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड भी करें। कोई कॉमर्शियल यहाँ पर एंगल नहीं है, सिर्फ आप लोगों के सहयोग से ही चैनल को ग्रो करने का आगे मौका मिल सकता है। जय श्री राम।